हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो स्लैश व्लॉग। तो आज की वीडियो होने वाली है द टू मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस ऑन माय चैनल। तो पहला होने वाला है रूम टूर। तो मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज मैंने रूम डेकोर हॉल किया, उसके बाद रूम ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट वन शूट किया, बट रूम टूर अभी तक नहीं आया है। तो देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, सो लेट्स हैव अ लिटिल स्टोरी टाइम राइट नाउ। अभी मैं बैठी हुई अपने रूम के एंट्रेंस पे, फ्लोर पे बैठी हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू गाइज स्पॉयलर्स। ऑल दो मैंने स्टार्टिंग में एक दिया था सो दैट यू नो देर इज समथिंग ब्यूटिफुल कमिंग अप। तो हुआ ये कि मैंने बहुत ही ज्यादा दिल से आप लोगों के लिए दिवाली ब्लॉग शूट किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने दिवाली की एक सीरीज बनाई थी, लाइक एवरीथिंग दैट आई डिड, सफाई से लेके शॉपिंग से लेके सब कुछ मैंने शूट और शेयर किया था यूट्यूब वीडियोस पे। एंड देयर वर अ सीरीज ऑफ गिव अवेज, क्योंकि मैं दिवाली वीक नहीं शूट कर पाई थी तो फिर मैंने दिवाली ब्लॉग्स बनाए थे। एंड आई वॉन्टेड टू थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी फॉर दिस फार। अभी भी वो गिव अवेज लाइव है मेरे चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी वीडियो। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, दिवाली व्लॉग मैंने शूट किया था, 3 दिन का पूरा था, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जो मेन होती है। एंड मैंने कितना ज्यादा मजा किया था, दैट एंटायर व्लॉग हैड माय फुल फैमिली। पहला व्लॉग था जिसमें मेरी सारी फैमिली आई थी, मैं पूजा से भी मिली थी, सो देयर वर क्लिप्स ऑफ दैट आल्सो। एंड उसी दिन मैंने अपना रूम भी पूरा सेट किया था, तो मैंने पूरा व्लॉग किया था एंड रूम टूर भी था उस वीडियो में। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वर सम मिसहैप्स एंड माय फोन गॉट फॉर्मेटेड एंड ऑल माय डेटा वाज लॉस्ट। तो मेरे सारे शॉट्स, दिवाली का सिर्फ एक मेकअप लुक रह गया था बिकॉज वो मैंने कैमरा पे शूट किया था, और फोन का जितना भी कंटेंट था वो सब चला गया, सो दैट वीडियो कुड नॉट बी अप। मैंने आप लोगों को यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे अपडेट किया था इस बारे में, एंड आई वॉज सो सैड अबाउट दैट। आई थॉट, मैंने सोचा कि कोई फायदा नहीं है टू सल्क अबाउट इट बिकॉज नथिंग कैन बी अंडन नाउ, बट स्टिल बुरा लगता है बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी उस ब्लॉग पे, एंड इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। मेरे भाई ने मेरी पूरी हेल्प करी थी वो वीडियो शूट करने में, सो इट वॉज सो ब्यूटिफुली डन एंड एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल अबाउट दैट वीडियो। बट मैंने वो वीडियो का बैकअप नहीं लिया था बिकॉज अ डे बिफोर जब मैं एडिट करने बैठी थी मेरे घर पे गेस्ट्स आ गए थे, तो मैंने उसे एक दिन पोस्टपोन कर दिया। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मेरे पास सारा डेटा होता, क्योंकि मैं हार्ड ड्राइव पर ट्रांसफर कर लेती हूँ नेक्स्ट डे। बट मैंने सोचा चल एक दिन बाद में कर लेंगे, एंड देन दैट डे एवरीथिंग वॉज वाइप्ड ऑफ ऑफ माई फोन। सो या कुछ नहीं कर सकते, सो मैंने 3-4 दिन का ब्रेक लिया, मैंने कुछ भी नहीं अपलोड किया बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी सैड। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक वो वाली फीलिंग आती है ना, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ओवर, तो आई जस्ट हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली फॉर दैट। एंड आज मैंने सोचा न्यू डे न्यू स्टार्ट, तो आज मैंने वापस स्टार्ट किया, आई जस्ट वॉन्टेड टू शूट समथिंग। तो आज मैंने एक प्रॉपर शूट डे रखा है, सो आई एम गोना शो यू ऑल माई रूम। एक छोटा सा रूम टूर होगा क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट बिकॉज माई रूम इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेस, तो जितना थोड़ा बहुत एलिमेंट्स एड कर सकती थी मैंने वही एड किया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं विच कैमरा यू यूज, विच माइक यू यूज, तो आज मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे से अपनी वीडियोस शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, कौन से डिवाइसेस यूज करती हूँ। ईच एंड एवरी थिंग विल बी देयर इन टुडेज वीडियो। सो दिस इज द एंट्री टू माय रूम। यहाँ से मेरे रूम में हम एंटर करते हैं एंड जब लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ते हैं तो ये वॉल आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यही वो वॉल है जिसपे मैं कलर्ड LEDs लगा के अपनी वीडियोज पहले शूट करती थी, ये प्लेन वॉल थी। तो मैंने इस वॉल पे ये सेट ऑफ 4 फोटो फ्रेम्स लगाए। अभी भी मुझे ये वॉल थोड़ी बहुत खाली खाली सी लग रही थी, बट देन मैंने अभी और कुछ ऐड नहीं किया है क्योंकि फिर मुझे लगा ज्यादा ही क्लटर्ड हो जाएगा रूम। सो फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ, एंड इफ इन फ्यूचर आई फील लाइक एडिंग सम मोर एलिमेंट्स आई वुड, अदरवाइज ये ऐसे सही लग रहा है। बस ये जो 3 फ्रेम्स हैं, ये और वो वाले को मैं यहाँ नीचे लगाना चाहती थी ताकि ये पूरा 4 सेट में रहे, बट मेरे भाई ने पता नहीं क्या सोच के उसको वहां पे लगा दिया, एंड दिस इज गिविंग मी अ रियल OCD। बट अभी कुछ नहीं कर सकते, पहले मैं सोच रही थी 1-2 फ्रेम्स और लगा के इसको सिमेट्रिकल कर दूं, बट फिर वो बहुत ज्यादा ओवरडन हो जाता। सो फॉर नाउ आई एम कीपिंग दिस वॉल एज इट इज,
देन कमिंग टू दिस वॉल, इस वॉल पे मैंने कुछ भी नहीं किया है बिकॉज ये वॉल यू नो टेक्सचर्ड है, इस पे ऑलरेडी पैटर्न मैंने बनवाया है. इट इज द मेन एक्सेंट वॉल एंड वी हैव दैट ब्यूटिफुल लैम्प, उसमें तीन कलर्स है, बहुत अमेजिंग लगता है. और यहाँ पे मैंने अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है वह है क्योंकि जो पावर सॉकेट था यहाँ का, जो मेन पावर पॉइंट था, वो इस बेड के पीछे रह गया था जब मैंने बेड शिफ्ट किया था, तो यहाँ पे एक्सटेंशन है. और अगर मैं इस वॉल पे भी कुछ कर तो मेरा रूम बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो जाता है. ये वॉल वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी लगती है बिकॉज ऑफ द पैटर्न गोइंग ऑन, तो इसलिए ये वाले वॉल मैंने एम्प्टी रखा. देन कमिंग टू दिस साइड, सो दिस इज द पार्ट जो आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियोज में देखोगे. सो दीज आर द चेस्ट ऑफ फोर ड्रॉर्स जिसमें मैं अपना मेकअप और एवरीथिंग स्टोर करती हूँ. मैंने वीडियो शेयर किया था, आप लोग देख सकते हो. एंड देन यहाँ पे मैंने अपने डेकोर पीसेज लगाए. ये सारे पीसेज अमेजोन से, इनकी भी वीडियो में लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. तो यहाँ पे मैंने अपना ये मैक्रेमे वॉल हैंगिंग टांगा है जिसमें फेरी लाइट्स भी है. और फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अपना एस रखा है. देन कमिंग टू दिस, मैं इसको बहुत मिनिमल रखना चाहती थी तो मैंने ये एक ट्रे रखा है. इसके ऊपर मिनीसो की कैंडल रखी है जो कि बिल्कुल बेकार है. एंड यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगाया है. एंड देन दिस इज मी. हेलो, आई रियली वांटेड वन यू नो लाइव प्लांट जो जिंदा हो, फेक प्लांट नहीं रखना था, इसलिए मैंने अपनी मम्मी के मनी प्लांट में से थोड़े बहुत टहनिया काट के इस पानी के जार में डाल दिया है. एंड ये कैंडल बहुत बेकार है, इट लुक्स ब्यूटिफुल बट इसमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है. जब इसको ऐसे स्मेल करते हैं इसमें से फ्रेग्रेंस आती है, बट वाइल बर्निंग इट इज नथिंग. मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि थोड़ा बहुत है, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग. और दिवाली पे मैं इसको बर्न कर रही थी फॉर माय वीडियो और मैंने अपने दो मनी प्लांट के पत्ते जला दिए थे. सो आई हैव टू बी केयरफुल नाउ. एंड सो दिस विल बी माय न्यू यूट्यूब बैकग्राउंड. लेट मी नो आपको कैसा लगा. और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करो, कुछ और एलिमेंट्स आप चाहते हो मैं ऐड करूं, तो मैं बिल्कुल करूंगी. क्योंकि अभी मैं इस पे कुछ रखना चाहती हूँ. मैं सोच रही हूँ यहाँ पे प्लांटर्स रखू, फेक प्लांटर्स. बट अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो प्लीज उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालना. अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के ठीक सामने वाला साइड, जो कि अगेन इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉर्नर्स आफ्टर दिस ऑब्वियसली. सो राइट ऑपोजिट माई bed is this TV cabinet and this is how I have set it up. Let me walk you through the entire thing. Starts from here. यहाँ पे तो पहले की तरह मेरे सारे technical gadgets, laptops वगैरह है. इसमें मेरा पूरा स्किन केयर ऑर्गेनाइज्ड है जो कि मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ, बैकअप है. देन इसमें मेरा सारा हेयर केयर एंड बॉडी केयर बैकअप है और कुछ कुछ जो मैं करेंटली भी यूज कर रही हूँ. इसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्लॉथ आयरन एंड एवरीथिंग. इसमें मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर और जो बाकी सामान कहीं और नहीं आ रहा था यहाँ डाल दिया. सो दिस इज बेसिकली अ मिसलिनियस drawer. Then this is the स्किन केयर ऑर्गेनाइजर जो मैंने अमेजोन से मंगाया था. इसमें मेरा मम्मी और भाई का सारा वो स्किन केयर है जो हम अभी रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं. इट कम्स वेरी हैंडी और काफी ज्यादा कैपेसिटी है. देन दिस इज द ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे मैंने अपने परफ्यूम मिस्ट और हेयर ऑयल्स सेट किए हुए हैं. दिस इज अ रूम फ्रेशनर फ्रॉम मिनीसो, इट इज गुड. देन कम्स दिस एरिया जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है. सो यहाँ पे मैंने अपने और भाई की सारी भी बुक्स रखी हैं जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं. एंड देन एट दैट कॉर्नर आई हैव केप्ट दिस फ्रेम दैट सेज स्ट्रॉन्ग वुमेन ड्रीम बिग. एंड दिस इज समथिंग आई वॉन्टेड टू कीप राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इसलिए मेरे बेड के एकदम सामने से मैंने लगाया है. एंड इस लाइट के लिए कहीं और जगह नहीं मिल रही थी और यहाँ पे अच्छा लग रहा था, इस फ्रेम के साथ ही यही रख दिया. एंड दैट इज अ क्लॉक दैट आई वॉन्टेड इन माई रूम. सो दिस इज वॉट दिस कॉर्नर लुक्स लाइक एंड आई एम इन absolute love. सो दिस इज हाउ आई हैव डन माई रूम. आई होप आप लोगों को ये रूम पसंद आया हो. बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स एड किए हैं बट अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरा रूम बिल्कुल एम्प्टी था. एंड नाउ आई हैव दीज क्यूट लिटिल एलिमेंट्स, सो आई एम रियली रियली लाइकिंग इट. तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा. क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपको बहुत पसंद आया हो या कोई ऐसा एलिमेंट जो आप चाहते हो कि मैं हटा दूं या कहीं और प्लेस करूं, या फिर कुछ एलिमेंट्स जो आप ऐड करना चाहते हो. आई विल होल हार्टेडली टेक योर सजेशंस इनटू कंसिडरेशन. सो प्लीज 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 ड्रॉप देम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. एंड अब शुरू करते हैं आज का शूट डे. सो शूट स्टार्ट करने से पहले मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ बिकॉज यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्लीन फेस बिफोर अप्लाइंग मेकअप या स्किन केयर वट एवर. एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाउ आई शूट माई वीडियोज. सो मोस्टली मेरा शूट डे स्टार्ट होता है बाय स्ट्रेटनिंग माई हेयर. मैं हर बार ये नहीं करती हूँ, कई बार मैं अपने नेचुरल हेयर के साथ ही शूट कर लेती हूँ. बट अभी ना मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी हो रहे हैं एंड द एंड्स आर जस्ट
लाइफलेस. तो मैं अभी बाल स्ट्रेट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव प्लान टू कम्प्लीट अबाउट लाइक 2-3 शूट्स टूडे. तो मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ टू लुक अ बिट मोर प्रेजेंटेबल. मुझे अपने बाल स्ट्रेट ज्यादा अच्छे लगते हैं. एंड फेस वॉश के बाद मैं ये मिस्ट यूज कर रही हूँ. इट जस्ट इंस्टेंटली हाइड्रेट्स एंड रिफ्रेशेस माई स्किन. तो मैं अब अपना शूट स्टार्ट करने वाली हूँ. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाउ डू आई सेट अप फॉर माई शूट. तो सबसे पहली चीज जो मैं यूज करती हूँ वो है ये रिंग लाइट. सो ये 18 इंचेस की रिंग लाइट है. आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि मैं कौन सी लाइट यूज करती हूँ. सो दिस इज द ओनली लाइट दैट आई यूज बिकॉज ऑफ द स्पेस रेस्ट्रिक्शंस. इसको मैं लगाती हूँ इस स्टैंड पे. दिस इज अ लाइट स्टैंड. ये मुझे डिजिटेक का चाहिए था बट उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक था तो फिर मैंने ये ले लिया था प्रोलाइट का. मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सब कुछ अमेजोन से ही मंगाया हुआ है बाय द वे. सो ये प्रोलाइट का लाइट स्टैंड है. काफी स्टर्डी और गुड क्वालिटी है. एंड ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब मुझे पिछले 1.5 साल से मैं यही सेम चीजें यूज कर रही हूँ. सो दीज आर ऑल गुड क्वालिटी टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी. सो इसको मैं इस तरीके से माउंट कर लेती हूँ अपने लाइट स्टैंड पे एंड आई फिक्स इट. और आप अपने हिसाब से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो. सो ये मैं लाइट यूज करती हूँ एंड ये एक कॉर्ड के साथ आता है. सो आपको इसे पावर पे प्लग इन करना पड़ता है टू ऑपरेट. तो इस लाइट का बेस्ट पार्ट ये है कि इस लाइट में आपके पास 2 नॉब्स हैं यहाँ पे. एक से आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो और एक से आप इसकी वॉर्म्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. ये एकदम येलो लाइट है. देन यू हैव न्यूट्रल एंड कूल लाइट. सो यू कैन प्ले अराउंड विद द सेटिंग्स और जिस अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियो शूट करनी है आप उस अकॉर्डिंग अपनी लाइटिंग रख सकते हो. तो ये पहली चीज है जो मैं यूज करती हूँ अपने लाइटिंग के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग, मैं ये लाइट स्टैंड ये ट्राइपॉड स्टैंड यूज करती हूँ. दिस इज फ्रॉम डिजिटेक. ये बहुत स्टर्डी क्वालिटी का है. अगेन मुझे 1.5-2 साल से ये चल रहा है एंड इसमें ये 3 सेटिंग्स है. तो आप इसको थ्राइस एज लॉन्ग कर सकते हो. तो काफी ऊंची हाइट पे जाता है. एंड देन इसके यहाँ पे ये लीवर भी है. सो ये अगेन एक्स्ट्रा आपको इधर से भी हाइट मिल जाती है. सो आपको जिस जितना भी लंबा या छोटा करना है आप उस अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो. बहुत अच्छी क्वालिटी का है. एंड देन इसमें नीचे एक हुक भी दिया हुआ है. सो अगर आपका कैमरा या जो भी डिवाइस आप ऊपर यूज कर रहे हो वो हैवी है तो आप बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे कोई सा वेट लगा सकते हो. तो मैं अपनी रिंग लाइट के आगे अपना कैमरा रखती हूँ. पहले मैं रिंग लाइट के पीछे अपना कैमरा रखती थी. अभी आजकल मैं आगे रख रही हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू सी की विच वन इज वर्किंग बेटर फॉर मी. और इसमें एक यहाँ पे स्क्रू है. इससे आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो. सो ऐसे मैं शूट करती हूँ अपने रील्स और यूट्यूब वीडियो के लिए जिस अकॉर्डिंग भी मुझे चाहिए होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिवाइस दैट आई शूट विद. तो मैं अपने शूट्स कैमरा से करती हूँ और कुछ कुछ शूट्स मैं अपना फोन से भी करती हूँ. तो फोन मेरा ये है जिसपे मैं अभी व्लॉग कर रही हूँ. सो मैं कभी कभी अपने रील्स या शॉर्ट्स भी अपने फोन पे शूट कर लेती हूँ. व्लॉग्स तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही फोन पे ही करती हूँ बिकॉज व्लॉगिंग विद DSLR वुड बी अ वेरी वेरी टफ जॉब क्योंकि ये काफी वेटेड होता है. सो फोन मैं यूज करती हूँ 1+7 Pro. ये मेरे को 2-3 साल हो गए ये फोन लिए हुए. सो आई व्लॉग विद द सेम फोन एंड मैं अपने यूट्यूब वगैरह के जो वीडियो शूट करती हूँ या शॉर्ट्स मोस्टली मैं इसी पे शूट करती हूँ बिकॉज DSLR से आई गेट गुड क्वालिटी. तो मैं इसको इस स्टैंड पे माउंट कर देती हूँ. एंड जो DSLR मैं यूज करती हूँ वो है निकॉन का D5300. सो दिस इज द मॉडल ऑफ माई कैमरा. सो ये निकॉन का D5300 है. एंड नो मैंने ये यूट्यूब की वीडियोज बनाने के लिए नहीं लिया था बिकॉज अभी माई चैनल इज इन एट अ पॉइंट कि मैं एक कैमरा में इन्वेस्ट कर लू. कैमरा मेरे पे पहले से ही रखा हुआ है. सो ये मेरी फैमिली ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था आई थिंक इन 2018 या 2019 में मेरे को ये बर्थडे गिफ्ट में मिला था. बट मैं कहीं ज्यादा बाहर जाती नहीं थी तो ये कैमरा कभी यूज ही नहीं हुआ. ये रखा ही था. सो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया आई थॉट माइट एज वेल मेक अ गुड क्वालिटी वीडियो. सो ये काफी हैंडी आया स्टार्टिंग से मेरी वीडियोज यू नो अच्छी क्वालिटी रखने में. सो ये कैमरा मैं यूज करती हूँ. इसका बेस्ट पार्ट है कि इसमें फ्लिप स्क्रीन है तो मुझे सब कुछ इधर दिखता रहता है. एंड The lens that I use is the one that came in the kit itself. ये kit lens है इसकी 18-55mm. मैं सारे products link कर दूंगी description में क्योंकि ये भी मेरी family ने Amazon से ही मंगाया था.
तो आपको इनमें से कोई भी चीज चाहिए होगी तो आप यू नो बाय कर सकते हो. सो द बैटरी दैट आई यूज इज द वन दैट केम विद द कैमरा. सो मैं इसी की बैटरी यूज करती हूँ. बट कभी कभी ऐसा होता था कि आई हैड अ लॉन्ग शूट डे प्लान और बैटरी खत्म हो जाती थी तो मुझे इसको रिचार्ज करने तक का वेट करना पड़ता था. सो फॉर बैकअप आई गॉट दिस बैटरी. ये डिजिटेक की बैटरी है. दिस इज अगेन द सेम वन लिथियम आयन बैटरी 7.4 वोल्ट. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लो. तो ये स्पेयर बैटरी है ताकि मुझे जब तक ये चार्ज हो रही हो तब तक वेट ना करना पड़े, टाइम वेस्ट होता है काफी. एंड सिमिलरली जब मेमोरी कार्ड फुल हो जाता था इसके साथ जो मेमोरी कार्ड आया था वो ये है तोशिबा का 16 GB, तो ये जल्दी फिल हो जाता था. तो फिर मुझे अगेन यू नो इसका डेटा ट्रांसफर करके तब यूज करना पड़ता था. तो इसलिए मैंने ये स्पेयर मंगाया. ये मैंने मंगाया था सैंडिस्क का 128 GB. तो अब मैं मोस्टली इसी को यूज करती हूँ क्योंकि कभी भी ये एक बार में पूरा फुल हो नहीं पाता है, इतना ज्यादा मैं शूट नहीं करती हूँ. तो जब ये फुल होने वाला होता है उससे पहले ही मैं एडिट वगैरह करने के लिए लैपटॉप पे डेटा ट्रांसफर कर लेती हूँ. सो ये खाली हो जाता है. तो ये वाला तो मेरे को उतना यूज आता नहीं है. एंड मैं डेटा ट्रांसफर करती हूँ ये दो हार्ड डिस्क में. तो ये वाली हार्ड डिस्क SSD है और ये HDD है. ये मेरी 1 TB की है. दिस वन इज फ्रॉम Seagate. इट केम इन अ बॉक्स लाइक दिस. अगेन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ये दोनों काफी पोर्टेबल है. अब इसका ये है कि इसमें मैं सिर्फ लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर पाती हूँ. ये सोनी की हार्ड डिस्क है, SSD है. एंड इसका ये फायदा है कि ये सी टाइप है एंड ये मेरे लैपटॉप प्लस फोन दोनों पे कनेक्ट हो जाती है. तो अगर मुझे कोई डेटा डायरेक्टली यू नो फोन में ट्रांसफर करना होता है तो मेल के थ्रू भेजना या ड्राइव पे अपलोड करना या फोन पे ट्रांसफर करने से बेटर है कि मैं इसी में स्टोर कर लेती हूँ. एंड फिर मुझे लैपटॉप में यूज हो चाहे फोन में यूज हो, आई यूज दिस. सो इट इज वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. सो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं इसको कैरी करती हूँ ताकि अगर मेरे फोन का स्टोरेज फुल हो जाए तो मैं तुरंत के तुरंत अपना डेटा फोन से डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर पाऊँ. Now talking about this shutter button, तो जब मैं अपनी फोटोज क्लिक करती हूँ सर nobody else helps me. तो आप लोग सब मुझसे काफी बार पूछ चुके हो कि मेरी वीडियोज में कौन कौन मेरी हेल्प करता है, तो मैं सारा काम अकेले ही करती हूँ. सो ये मैं शटर बटन यूज करती हूँ. जब मैं कैमरे से दूर बैठी होती हूँ, मुझे फोकस करना होता है या फिर फोटोज क्लिक करनी होती है, तो उसके लिए मैं ये बटन यूज करती हूँ. ये भी निकॉन का है बट ये कैमरा के साथ नहीं आता है, ये मैंने अलग से परचेज किया था. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑडियो, सो मैं स्टार्टिंग से ही ये वाला माइक यूज करती हूँ. ये बोया का माइक है और काफी ज्यादा उलझा हुआ है, बट ये एक लेपल माइक है. इग्नोर द मेस, मैं इसे सुलझाती नहीं हूँ, ऐसे ही यूज कर लेती हूँ. सो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा वर्क करता है. इसकी बैटरी अब जाके 1.5 साल बाद खत्म हुई थी और इसमें वो वाली सेल बटन बोलते हैं मेरे ख्याल से, बटन सेल बटन बैटरी जो होती है वो वाला इसमें लगता है. एंड मैंने उसका पूरा पैक ले लिया था. सो आई यूज दैट. मैं वो भी लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट यूज एनीथिंग. इसके अलावा मैं फ्लड लाइट्स यूज करती हूँ. जब मैं अपनी प्लेन वॉल पे शूट करती थी तो जो आप पीछे से पर्पल और पिंक लाइट देखते हो वो मेरे पास दो फ्लड लाइट्स है. अभी मैंने निकाली नहीं है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी. सो मैं वो लगा लेती हूँ पीछे ताकि बैकग्राउंड भी लाइट अप हो जाए एंड बैकग्राउंड डल ना लगे. सो यार दिस इज प्रीटी मच एवरीथिंग दैट आई यूज. और सेटअप तो आप मेरा देख ही चुके हो, नया सेटअप जो मैंने किया है. सो या दिस इज हाउ आई शूट माई वीडियो. एंड या अभी मैं पूरा सेटअप करके जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा ग्लिम्स दे दूंगी. सो या दिस इज प्रीटी मच ऑल दैट आई डू. नथिंग वेरी वेरी फैंसी, नो फैंसी बैकड्रॉप्स. आई जस्ट यूज वट एवर आई हैव इन द रूम. एंड या आई विल स्टार्ट शूटिंग नाउ. मेरा शूट कंप्लीट हो गया है. मैंने दो रील्स स्लैश शॉर्ट्स फिल्म किए. मैं दोनों जगह पे अपलोड करती हूँ बिकॉज व्हाई नॉट. कंटेंट में मेहनत तो लगी रही है तो मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे रीयूज द सेम कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट. एंड अभी मैंने चेंज कर लिया बिकॉज मुझे एक और शॉर्ट शूट करना है. वो एक मेकअप लुक होने वाला है. अभी प्लान ये है कि मैं मेकअप लुक शूट कर ही रही हूँ, सो व्हाई नॉट वियरिंग दैट मेकअप. आई शूट वन यूट्यूब वीडियो ऑल्सो. तो क्योंकि तैयार हो ही रही हूँ बट अभी देखते हैं टाइम क्या परमिट करता है. तो अभी ये वीडियो के लिए मैं लगाने वाली हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज. तो मुझे आप लोग पूछते हो कॉन्टैक्ट लेंसेज में कौन सी यूज करती हूँ. मैं ये मंथली वाली यूज करती हूँ फ्रॉम एक्वा लेंस. आप लोग मुझे कमेंट में बताना अगर आपके पास कोई और यू नो ब्रांड रिकमेंडेशंस है फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज. मैं प्रेफर करूंगी मंथली डिस्पोजेबल्स हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डेली डिस्पोजेबल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं.
So I think I should end this vlog right here itself, because anyways I have shown you both the things that I promised to. आप लोगों को room tour देखना था, so room tour is here. Let me know how my background is looking, let me know how my room is looking, and all your suggestions and appreciations, everything drop it in the comment box below. और इस तरीके से मैं अपना YouTube shoot करती हूँ. मुझे comments में बताना अगर आपके पास कोई भी और question है, I would love to answer them. And please let me know मैं और कौन कौन सी वीडियोस बनाऊं, आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहोगे. तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग, एंड इफ यू डिड प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. वी आर सो क्लोज टू हिटिंग 1K. आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, आई एम मैनिफेस्टिंग इट कि 1K इस ईयर कम्प्लीट तक पूरे हो जाए. एंड या आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय.